Hi guys, this is me Khyati Maheshwari and you are watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari and this is going to be our third video on Law Lecture CA Final and in this video we are going to cover section 151 that is Small Shareholder Director. So, I have been receiving feedbacks for this video lectures and I am working on it. Whatever the recommendation you are telling me in the Telegram group, if you have any recommendation or suggestion, you can also even doubt, you can also give me that in the comment down below or our Telegram discussion group. Okay, so before starting the lecture, I would like always to revise what we have already read. That is, कि गाइस सो हम लोग रिवीजन क्यों कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अपन पीछे वाला नहीं भूलना चाहते. अपन ने जो कुछ भी पहले पढ़ लिया है अपन उसे नहीं भूलना चाहते, उसको एज इट इज़ रिटेन करना चाहते हैं. ये मैं जानती हूँ कि 2 मिनट लेगा, 3 मिनट लेगा और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे इट विल टेकिंग मोर एंड मोर सच टाइम, बट दिस इज़ अ फुल वीडियो लेक्चर्स एंड जिनको भी ओनली रिवीजन पार्ट करना है वो बस आगे का देख कर फिर जा सकते हैं. तो अपन सारे को रिवाइज करते हैं, इससे क्या होगा अपन जब बार बार इसको देखेंगे तो अपने दिमाग में वही माइंडसेट बनता जाएगा, इससे अपने को सेक्शन नंबर भी याद रहेंगे, उसके कंटेंट भी याद रहेंगे. ओके, आई होप कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप समझ पा रहे हैं. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे 11th ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इसका फर्स्ट, इसके जो सेक्शन है वो है सेक्शन 149 to 172. फर्स्ट जो है इसका सेक्शन है वो है सेक्शन 149. ये थोड़ा सा लेंदी एंड बिग सेक्शन है बट अपन इसको कंप्राइज करने की कोशिश करेंगे. इसके अंदर लिखा हुआ है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भी अपने बोला ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उसके बारे में अपने मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर के बारे में पढ़ा, 3 ओबीसी प्राइवेट पब्लिक 1, 2, 3. उसके अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर 15 विच कैन बी इंक्रीजेज बाय पासिंग एसआर. उसके बाद में वुमेन डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में अपने पढ़ा. उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि इंडिविजुअल डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करना पड़ेगा. अपन थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसका 10 और 100 और 50 CR समथिंग था. ओके, एग्जैक्टली यही है बट ये एक्सीडिंग है, ये मोर देन है, ये मोर देन है. ओके, अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं तो ये है पेड अप शेयर कैपिटल, ये है बोरोइंग्स और ये है ये है पेड अप शेयर कैपिटल, ये है टर्नओवर और ये है बोरोइंग्स. ओके, इसके बाद में हम पढ़ने आए कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उनको डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है 3 टाइम. उसके बाद में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको अपन ईसॉप नहीं दे सकते, रेमुनरेशन दे सकते हैं एज पर अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग. उसके बाद में टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5+5 टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कूलिंग पीरियड आफ्टर 5 and 5 years देयर मस्ट बी अ कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years. और फिर जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं हो सकते. अब इसको अपने को यहाँ पे अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये अपने को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में भी काम आने वाला है. ओके, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के अंदर भी और 152 सेक्शन के अंदर भी और कई जगह पर इसका रेफरेंस आएगा. सो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं 150 के अंदर अपन ने डाटा बैंक के बारे में पढ़ा. हालांकि इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं लेकिन अपन इसे जल्दी से जल्दी रैपअप करना चाहेंगे, बस 1 मिनट लगेगा और ज़्यादा नहीं लगेगा. ओके, सो इसके अंदर मैनर ऑफ सेलेक्शन ऑफ ए मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक. तो ये बोल रहे हैं डाटा बैंक मेंटेन करना पड़ेगा जिसके अंदर होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और ये मेंटेन करेगी कोई बॉडी. इंडिविजुअल ऑथोराइजेशन नोटिफाइड होगी जो कि CG के द्वारा. इसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए फॉर मैनेजमेंट ऑफ सच डाटा बैंक. उसके बाद में जो कंपनी होगी वो ड्यू डेलिजेंस अप्लाई करनी चाहिए बिफोर सेलेक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ देयर कंपनी. उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे होगा, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. उसके बाद में जो ये नोटिस जाएगा उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मैंडेटरी है. अदर थिंग्स जो अपन ने पढ़ी थी डाटा बैंक के अंदर वो है रूल 6 जिसके अंदर 15 डेज के अंदर अपन को डाटा बैंक को इंटीमेट करना पड़ता है जब भी कोई चेंजेस आते हैं अपने स्टेटस के अंदर. तो विद इन 2 मिनट्स अपन ने दोनों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है, 1 मिनट जो पहले का था. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज सेक्शन, दैट इज सेक्शन 151. अब मैं थोड़ा सा स्लो भी चल रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट भी चल रही हूँ बिकॉज मुझे बोथ ऑफ द टाइप्स के रिकमेंडेशंस आए हैं और मैं दोनों को ही रैपअप करने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, तो ये बेयर सेक्शन. अब ये जो अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर,
ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगी। जब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अब किसी के पास में ज़्यादा शेयर्स होते हैं, किसी के पास में कम शेयर्स होते हैं, तो क्या होता है, जैसे सपोज़ करो एक पर्सन है, उसके पास में 90% ऑफ शेयर होल्डिंग है, तो अब क्या होगा, वो ओआर चाहे तो ओआर पास करा सकता है, एसआर चाहे तो एसआर पास करा सकता है, अब सारी चीज़ें जो होगी वो ओनली उसके फेवर में होगी। ऐसे में क्या होता है, जो स्मॉल जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी गिनती नहीं हो पाती है, उनकी वोट की गिनती नहीं हो पाती है, तो उनकी वोट की कीमत को बढ़ाने के लिए या उनका भी डिसीज़न उनको लगे कि हाँ भाई हम भी कंपनी में हैं, तो इसीलिए वो लोग लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बाकी भूल जाते हैं। ओके, लिस्टेड कंपनी जो होती है उसके ऊपर ये होता है, देखो अ लिस्टेड कंपनी, इट शुड बी रिमेम्बरेबल, अ लिस्टेड कंपनी। ओके, तो एक लिस्टेड कंपनी होती है उसी के अंदर ही अप्लाई होगा, क्योंकि देखो बाकी सारी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट हर एक के अंदर रेगुलेशन नहीं बना सकती, बट एक लिस्टेड कंपनी एक वेल रेपुटेड कंपनी होती है और उसका हर एक वोट, हर एक जो शेयर होता है वो काउंट होना चाहिए, इसलिए वो लोग अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर करेंगे ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर वो जा सके और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका भी कोई हाथ लगे, इसलिए उनका एक एक वोट काउंट करने के लिए इसलिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है। ओके, अब बेयर एक्ट के अंदर सिंपल सा क्या रखा है इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन का क्रक्स जो है वो एक्चुअली इसके रूल के अंदर लिखा गया है, जो कि है रूल 7। और छोटी सी बात, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रखी है इसके सेक्शन के अंदर, अपन पहले देखते हैं कि सेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है। अ लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर, वन डायरेक्टर ही होना चाहिए, दो डायरेक्टर तीन डायरेक्टर ऐसी जरूरत नहीं है, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर तो अपने को था कि दो होने चाहिए मैक्सिमम या वन थर्ड होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर ओनली वन डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स की तरफ से एक बंदा जाएगा, इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर। ये इलेक्ट कौन होगा, ये बंदा इलेक्ट किससे होगा, स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा, इन सच मैनर एंड विथ सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब मैंने आपको बता रखा है प्रेस्क्राइब मतलब रूल्स, रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, रूल है 7, अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद में इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बेयर एक्ट के अंदर आता है, तो अपन एक्सप्लेनेशन भी यहीं के यहीं पढ़ लेंगे। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन कौन होते हैं ये बता रखा है, होल्डिंग ऑफ सच, होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब इसके अंदर देखो आगे मेंशन है तो है इक्विटी शेयर्स, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉमिनल वैल्यू किसका, इक्विटी शेयर्स का, नॉट मोर देन 20,000, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो कौन करेगा, वोटिंग पावर किसके पास में होगी, वो तो इक्विटी शेयर्स के पास में होगी ना, तो होल्डर्स ऑफ शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ये फेस वैल्यू के बाद होती है, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, खाली फेयर वैल्यू ही होनी चाहिए, नॉट मोर देन 20,000, जो इसके नीचे वाले लोग हैं वो सब कहलाएंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, और अदर थिंग्स एज मैं डिस्क्राइब, अपन को पता है स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन कौन होते हैं, जो कि है नॉट मोर देन 20,000 ऑफ सच शेयर्स। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, मैं लेंथ को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी इस वीडियो की, मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें, दैट्स इट, और ऐसा मत सोचिए कि ये एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट दैट मच दैट थिंग, अपने को हर एक सेक्शन पे फोकस करना है, अपने को बेसिकली चीज़ है उसको समझनी, एंड किसी के ऊपर भी क्वेश्चन उठ सकता है, मैं ये नहीं बोल सकती इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठ सकता, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठ सकता, MCQ उठ सकता है, छोटे से सेक्शन जैसे कि 150 सेक्शन है तो उसके ऊपर एक MCQ उठ सकता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, अब अपन आ गए हैं रूल के अंदर, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, अब ये बात जो दिख रखी है वो रूल के अंदर दिख रखी है, रूल है 7, अ लिस्टेड कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी, अ लिस्टेड कंपनी में सुओ मोटो, खुद से ही कर सकती है, लिस्टेड कंपनी खुद से भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकती है स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा,
इलेक्शन करवा के उसके बाद में, या तो फिर अगर उसने खुद ने नहीं कराया तो नोटिस दे सकते हैं कुछ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। नोटिस कब तक? 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए एक अलग से मीटिंग बुलाई जाएगी? नहीं, जब भी कोई भी मीटिंग होगी उससे पहले ही 14 डेज बिफोर ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर्स को अपना नोटिस देना है कि भाई हम अपना स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करना चाहते हैं। नोटिस अब एक स्मॉल शेयर होल्डर ने किया तो क्या आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर लोगे? नहीं। कब तक? मिनिमम कितने? मिनिमम रिक्वायरमेंट या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर हो या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, विच एवर इज लोअर। अब देखो, सपोज करो किसी कंपनी के अंदर है ही 100 टोटल, तो 1000 कैसे ले आएंगे वो? तो इसके अंदर वो बोलेंगे 1/10, इसका मतलब 10। अगर 10 भी होंगे विच एवर इज लोअर, 1000 और 10 विच एवर इज लोअर, तो इसका मतलब हुआ 10। तो अगर 10 भी होंगे स्मॉल शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो वो भी बोल सकते हैं कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये लोग को फिर इलेक्ट करना पड़ेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब देखिए, ये कुछ लोग थे स्मॉल शेयर होल्डर्स, इन्होंने नोटिस दिया कंपनी को 14 डेज बिफोर कंपनी को। अब उस नोटिस के अंदर ये लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे? फर्स्ट, नेम ऑफ द डायरेक्टर, उसका दिन, उसके बाद में कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। डिस्क्वालिफाइड का मतलब होता है कि वो एलिजिबल है टू बिकम अ डायरेक्टर। अपन ये सेक्शन बाद में कवर करेंगे डिटेल के अंदर, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं। और हिज कंसेंट टू बिकम अ डायरेक्टर, और इसका कंसेंट भी होनी चाहिए कि हाँ भी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। देन ही कैन बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो जो होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है। कब? अगर वो सेटिस्फाई कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर 149 सबसेक्शन 6। ये मैंने आपको कवर करा दिया है, आई होप आपको याद होगा। अगर नहीं तो इसका मतलब आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उसे जाके देखिए पहले और फिर इस वीडियो को देखिएगा, ओके? अब ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, क्या उसका स्मॉल शेयर होल्डर होना ज़रूरी है, या फिर वो मेंबर हो सकता है कंपनी का, होना ज़रूरी है, या फिर वो मेंबर ना भी हो तो भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? तो सबका आंसर है यस, वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकता है, वो कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, और वो नो मेंबर मतलब कि मेंबर नहीं भी हो सकता, कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, ओके? और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हिसाब से अगर उसको आपको करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनाना है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को, तो वो एलिजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अगर उसके पास में 30,000 ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, इसलिए मैं करा रही हूँ। नॉमिनल वैल्यू 30,000 और मोर जो है उसका, उसके पास में है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में पास में, तो क्या वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन पाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि वो मेंबर भी हो सकता है। मेंबर का मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ना और कुछ और ज़्यादा शेयर्स होना, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब इस ये भी रूल्स के अंदर मेंशन होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 के अंदर होते हैं, तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट बी रिटायर बाय रोटेशन। ये भी रोटेशनल से डायरेक्ट नहीं होगा, सेम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकता है, आप उससे भी कनेक्ट करके देख सकते हैं इसे। उसके बाद में टेन्योर, इसका टेन्योर क्या होगा? अगर अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से इसको कंपेयर करके देखें तो 5+5+ कूलिंग पीरियड ऑफ 3, इसके अंदर होगा ओनली वन टर्म ऑफ मैक्सिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब कि एक के बाद में एक, ओके? उसके बाद में नो रीअपॉइंटमेंट, इसका मतलब कूलिंग पीरियड का सवाल ही नहीं आता क्योंकि दोबारा से रीअपॉइंट होगा ही नहीं। उसके बाद में वेकेशन, ये किस तरीके से वेकेट हो सकता है? अब देखो, मैं चाहूँगी कि अगर आप इसे एज अ फुल लेक्चर देख रहे हैं और किसी और चीज़ को रेफर नहीं कर रहे हैं तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना, एक सेकेंड, बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कई सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में एमसीक्यू टेस्ट होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उसके आंसर्स इस वीडियो को देखकर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही। उसके बाद में एमसीक्यू के बाद में आप क्वेश्चन एयर्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपको क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है।
तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, अपन ने 3 देख लिया, वो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए हो सकता है, 1, 2, 3 कॉन्जिक्यूटिव इयर्स। ओके, रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा, नो रीअपॉइंटमेंट। वेकेशन कैसे होगा? अगर डिस्क्वालीफाइड हो गया, ऑफकोर्स अगर कोई भी जनरल डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, इसका मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर रहा डायरेक्टर बना, तो वो स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर कैसे रहेगा? ठीक है, अंडर सेक्शन 164 अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। विकेट, अगर उसका वेकेशन आ गया है ऑफिस का। अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, कि वो शुरू में ही डिस्क्वालिफाइड हो गया। अब वेकेशन क्या होती है, उसका रीअपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन है ना कुछ हुआ ऐसा कि वो कुछ ग्राउंड्स हैं इसके अंदर 167 के अंदर, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप मुझे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे वेकेशन हो जाएगा उसके ऑफिस का, तो अब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ही सीजेस टू बिकम अ डायरेक्टर। तो वेकेशन हो गया तो ऑफकोर्स वेकेशन आ जाएगा उसके ऑफिस के ऊपर, सीजेस टू बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या होगा, वेकेशन होगा एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन क्या वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना रह सकता है? यस, इन दिस केस ओनली। उसके बाद में मैक्सिमम कंपनी टू होल्ड ऑफिस एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कितनी कंपनीज के अंदर मैक्सिमम एक पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? टू कंपनीज, लेकिन वो दोनों ही कंपनीज कॉम्पिटेटिव बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, लाइक पार्ले जी और क्या लूँ, सनफीस्ट। सनफीस्ट भी वैसे पार्ले जी का ही प्रोडक्ट है, लेकिन देखते हैं पार्ले जी और सनफीस्ट ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है, ऐसे नहीं होने चाहिए, लाइक कोक एंड पेप्सी। इस तरीके के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर एक ही बंदा जो है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, द प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अप्लाई टू, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसको आपका आंसर आने वाला है। कौन सी कंपनी को प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉलो करना ज़रूरी है? अब तक आ गया होगा आंसर, अगर नहीं तो यह है लिस्टेड कंपनी। ओके, उसके बाद में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मे बी रिमूव बाय, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को कैसे अपन रिमूव कर सकते हैं? तो ये सिंपल सा आंसर है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सिंपली कोई से भी डायरेक्टर को अपन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग डाल के हटा सकते हैं। नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट, अब स्मॉल शेयर होल्डर्स को कितने दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है कंपनी को? आई होप आपको याद हो गया होगा, वो है 14 डेज। ओके, सो यहीं पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अपन ने एक बार बहुत ज़्यादा इसको लेंदी बना दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये फुल लेक्चर बने, आपको पूरा समझ में आए, मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपको मेरे लॉ लेक्चर्स अच्छे लगे, और अगर आपको और भी सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए तो यस ऑफकोर्स मैं फ्यूचर में अपलोड करने ही वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर स्टे कनेक्टेड विद मी, फॉर योर सपोर्ट, एवरीथिंग। आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी नीडी वंस से ये पास में जा सके, दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से विद यू गाइस। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, फ्री नोट्स लीजिए, और क्या चाहिए, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।